अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट का पावर शो जारी। वॉशिंगटन फ्रीडम ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को 30 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले खेलते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। मोजस हेनरिक्स 30, ओबस पिनार 29 और एंड्रियस गाउस ने 23 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 बैटर्स का शिकार किया। लियम प्लंकेट ने 2 और मार्कस टॉयनस ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम 103 रन पर ढेर हो गई। वॉशिंगटन फ्रीडम के सूरभ नित्रावलकर ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। कनाडा में जारी ग्लोबल T20 टाकरे में ब्रैम्पटन वुल्व्स की विक्ट्री। ब्रैम्पटन वुल्व्स ने टोरंटो नेशनल्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। टोरंटो नेशनल्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बनाए। निकोलस कर्टन ने 50 रन की इनिंग्स खेली। कॉलिन मनरो ने 24, हमजा तारिक 23 और शाहिद अफरीदी ने 15 रन बनाए। ब्रैम्पटन वुल्व्स ने 9 विकेटें गंवाकर आखिरी ओवर में हदफ हासिल कर लिया। हुसैन तल्लत 44 और रिजवान चीमा ने 35 रन की इनिंग्स खेली। नेशनल्स की जानिब से जमान ने 3 खिलाड़ी को पवेलियन रवाना किया। शाहिद अफरीदी और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट हासिल की। 10-10 ओवर की इनिंग्स, चौके, छक्के और कैचेस। जिम्बाब्वे में जिम एफ्रो T10 में दिलचस्प मुकाबले जारी। डर्बन कलंदर्स ने जोहानिसबर्ग बफलोस को 7 विकेटों से हरा दिया। जोहानिसबर्ग बफलोस ने मुकर्रा 10 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बनाए। टॉम बैंटन ने 55 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मुशफिकुर रहीम ने 19 और मोहम्मद हफीज ने 11 रन बनाए। डर्बन कलंदर्स ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हदफ हासिल कर लिया। हजरतुल्ला जाजई ने 41 और आसिफ अली ने 23 रन की इनिंग्स खेली।